hello everyone welcome to my channel and my name is aparna let's start the let's continue with the chapter uh evolution evolution you may have observed different types of stems in plants some types are shown in figure 8 8a with the help of the figure your your own prior observation and discussion with your friends and list all the different plants in which in which you can see stems that appear to uh, perform different functions uh, write the functions that you believe the stems must be having take the help of your teacher or other books to check your answer figure 8a shows stems of strawberry that have role in reproduction called as stolon here stems of passion flower that have role in climbing stem tendrils potato stems tuber That have mainly the function of a storage of food and reproduction of stem of lemon developed into thorns mainly productive in function. All the stems have diversified both structurally and functionally, but indicate the same origin as all this are stems. ठीक है देखिए यहाँ पर आपको ऊपर में ऊपर में ये जो आपको figure दी हुई है, ये आपका स्ट्रॉबेरी का है, ठीक है स्ट्रॉबेरी के roots हैं, स्ट्रॉबेरी के stems हैं ये आपका आ, क्या है ये ये है आपका पोटैटो के आ, नहीं पैशन फ्लावर के स्टेम्स हैं ये थर्ड आपका पोटैटो का है और फोर्थ तो जो है वो आपका लेमन का है इसमें आपको बोला है कि आपको ये और भी बहुत सारे अलग अलग जो प्लांट्स के स्टेम्स होते हैं ठीक है प्लांट के जो स्टेम्स होते हैं उनके अलग अलग फंक्शंस आपको यहाँ पर बताने हैं आपको अपने फ्रेंड्स के हेल्प से एक लिस्ट बनानी है क्या क्या स्टेम्स स्टेम्स के stems के फंक्शन हो सकते हैं और क्या क्या यहाँ पर आप उस चीज के बारे में देखते हैं ठीक है क्या क्या आपको लगता है कि उनके ये फंक्शन होंगे ये आपका एक बोला गया यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं हम यू कैन ऑब्जर्व द विंग्स ऑफ बैट द फ्लिपर्स ऑफ डॉल्फिन एंड द एंड सील The forelimb of sheep and dogs, as well as humans and mice, all apparently have the similar set of bones in in them. As for example, the hum the humerus, radius, and ulna are prominently visible in all this organism. This suggests a common ancestry of this organism. Through the appendages are used differently in dolphins bats ships and humans characters that indicate similar origin but diverse functions are called as homologous organs contrary to this uh, if we if we find functional similarity in organs of different origin like the wings of birds and butterflies we call such organs as analogous organs while the wings in different are uh, developed into their forelimbs those um, those of butterflies are mainly from their skin how how could apparently similar organs take up different uh, roles over time with, was the question that darwin and scientists even before darwin thought about ठीक है देखिए यहां पर आपको अलग-अलग अलग-अलग मींस अलग-अलग यहाँ पर आपको, आपको दिखाया गया है फ्लिपरस है यहाँ पर यहाँ पर डॉल्फिन्स के फ्लिपरस है सील है फोर लिंब है शिप का ये अलग-अलग आपको बॉडी पार्ट्स मींस हाथ जैसा जो रहता है जैसे कई लोगों में विंग्स रहते हैं कई लोगों में अः फिश के में क्या रहता है आपका फिश में आपका फ्लिपर्स रहते हैं ठीक है शिप में उनके पैर रहते हैं रैट में भी उनके पैर रहते हैं तो इन सभी का आपको एक स्ट्रक्चर दिखाया है और अगर आप हम देखेंगे क्लोजली जब हम देखेंगे तो लगभग सबकी जो स्ट्रक्चर्स जो बोन्स हैं वो क्या है लगभग सेम है देखिए ये आपका ह्यूमन बोन है तो यहाँ पर एक आपका एक एक बोन है और फिर यहाँ पर आपके दो बोन है और फिर यहाँ पर आपकी फिंगर्स के बोन है उसी तरीके से जब हम लोग रैट का देख रहे हैं तो यहाँ पर भी उसके भी एक बोन है यहाँ पर भी फिर दो बोन है फिर यहाँ पर उसके फिंगर्स हैं उसी तरीके से हम यहाँ देख रहे हैं तो यहाँ पर एक बोन फिर यहाँ पर एक बोन और फिर यहाँ पर क्योंकि उसके फिंगर्स नहीं है तो यहाँ पर इसका बोन जो है वो थोड़ा सा अलग हो गया है लेकिन लगभग क्या है आपका सेम ही है उसी तरीके से सील का जब हम देखेंगे तो यहाँ पर एक बोन फिर यहाँ दो बोन फिर यहाँ पर फिर से उसके फिंगर्स के बोन ठीक है ये बैट का है ठीक है बैट में देखिए यहाँ एक बोन यहाँ एक बोन और फिर उसके बाद में उसके जो विंग्स हैं उसके उसका एक स्ट्रक्चर बना है यहाँ पर देखिए फिंगर्स लाइक स्ट्रक्चर ही दिख रहा है जैसे हम लोग अपने फिंगर्स पर जब हम देखेंगे क्लोजली जब हम हम फिंगर्स को देखेंगे तो ये भी जो फिंगर्स है वो भी आपका तीन पार्ट्स में क्या रहते हैं डिवाइडेड रहते हैं तो आपका ये जो बैट का भी विंग्स है वो भी आपका तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है उसी तरीके से यहाँ पर भी सब अगर लगभग हम देखेंगे तो लगभग सभी क्या है आपका सबके जो फिंगर्स है सबके मीन्स यहाँ पर जो आपके हाथ है उनके जो बोन्स है लगभग उसमें बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी हमको देखने को मिल जाती है तो ये क्या है ये आपका आ, ये आपका क्या बता रहा है आपको कि ओरिजिन या फिर जो हमारे एनसेस्टर्स थे वो क्या है लगभग सेम ही हैं और धीरे धीरे लोग धीरे धीरे क्या हुआ है इवोल्यूशन हुआ है पहले के टाइम पे जो भी जानवर थे या जो भी ह्यूमंस थे वो धीरे धीरे हुए हैं ठीक है चेंज हुए हैं और चेंजेस के साथ में आज के जो हमारे आज के जो हम जानवर देखते हैं ह्यूमंस देखते हैं एनिमल्स देखते हैं वो सभी हमको देखने को मिलते हैं सिलेक्शन एंड इवोल्यूशन जर्नी ऑफ द बीगल केम टू एन एंड एंड क्रू रिटर्न टू इंग्लैंड Darwin started putting together pieces of information that he had collected all through the voyage from the different continents. He started writing an account on his observation. He was aware of the fact that humans could bring about changes in characters in domesticated animals or in crop plants by selecting organisms with preferable characters and breeding them. Selective breeding among a species of organism with preferable characters by humans is called the artificial selection darwin started thinking that if human could select and bring about changes in characters of organism could this presence of diverse organism in nature be a result of some process of selection occurring there they बीगल जो जो वहाँ वो जर्नी पे जो जो लोग जो गए थे बीगल ठीक है बीगल और उनके क्रू जो गए थे उन्हीं के साथ में आपका डार्विन भी अपने डार्विन भी गए थे और जैसे जैसे जो बीगल था ठीक है बी उनके जो क्रू था उनका जो काम जिस भी जर्नी के लिए वो गए थे वो काम ख़त्म हो के जब वो वापस आ रहे थे वापस इंग्लैंड रिटर्न हो रहे थे तो डार्विन ने जो भी अपना इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया था अलग अलग कॉन्टिनेंट से अलग अलग जगह से तो उन्होंने एक अकाउंट उसमें एक मीन्स एक, एक हर एक चीज को लिखना स्टार्ट किया ठीक है और लिखना स्टार्ट किया एक हर एक ऑब्जर्वेशन को उन्होंने लिखना जो है वो स्टार्ट किया वो इस फैक्ट से बहुत ज़्यादा अवेयर थे कि ह्यूमंस जो हैं वो और भी ज़्यादा चेंजेस जो हैं वो ला सकते हैं जैसे कि डोमेस्टिक एनिमल्स में या फिर क्रॉप प्लांट्स में हम क्या कर सकते हैं कुछ ऑर्गेन कुछ ऑर्गेनिज्म को सेलेक्ट कर सकते हैं जिसमें हम लोग को जो कैरेक्टर्स है वो अच्छे लगते हैं या उनमें फिर फिर हम उनको क्या कर सकते हैं ब्रीड कर सकते हैं ब्रीड कर सकते हैं मीन्स मिला सकते हैं और उसके बाद फिर एक जो दूसरा जो प्लांट निकलेगा वो कोई तीसरी ही कैटेगरी का होगा तो ऐसा हम कर सकते हैं ठीक है तो ये जो सेलेक्टिव ब्रीडिंग है ऑर्गेनिज्म में वो सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं मीन्स ह्यूमन कैरेक्टर्स ही आपका ये कर सकते हैं ठीक है और इसे कहा जाता है आपका आर्टिफिशियल सिलेक्शन जब हम ब्रीडिंग करते हैं उसको आपका आर्टिफिशियल सिलेक्शन भी कहा जाता है डार्विन अब इस चीज़ के बारे में सोचने लगे कि, कि किस तरीके से वो सेलेक्ट कर सकते हैं और ऑर्गेनिज्म uh, में क्या क्या चेंजेस ला सकते हैं चेंजेस कर सकते हैं

ह्यूमन uh, मीन्स यहाँ पर सेलेक्टिव ब्रीडिंग करने के लिए क्या क्या सिलेक्शन हमको करने पड़ सकते हैं क्या क्या हम हम चूज़ कर सकते हैं तो डार्विन का सजेशन था कि एक नेचुरल सिलेक्शन का प्रोसेस जो प्रोसेस है नेचुरल सिलेक्शन का वो क्या है इंस्ट्रूमेंटल है इवोल्यूशन में जो कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म पे चेंज किया जा सकता है अगर हम उसको चेंज करते हैं डाइवर्स फॉर्म पे चेंज कर अगर हम उसको सिलेक्शन uh, करते हैं ब्रीडिंग करते हैं तो जो स्पीशीज है वो अलग अलग फॉर्म पे बहुत अलग अलग स्पीशीज हमको देखने को मिल सकते हैं अब इस प्रोसेस को समझने के लिए इस नेचुरल प्रोसेस को समझने के लिए आपका कुछ पेज नंबर प्रोजेक्ट वर्क दिया हुआ है ठीक है देखिए नेक्स्ट आपका देखते हैं ये आपकी एक एक्टिविटी दी हुई है A few figures have been given here or observe them and suggest the type of selection process shown during justify your answer. ठीक है देखिए यहाँ पर आपको एक uh, फोटोज दिए हुए हैं ठीक है फोटोज यहाँ पर दिए हुए हैं आपको और आपको यहाँ पर बोला गया है कि आपको पर जस्टिफाई करना है ये देखिए ये आपका रेडिश प्लांट्स है जो कि फील्ड में ग्रो हो रहे हैं ये भी वही रेडिश प्लांट्स हैं जो कि फ्लड में क्या हो रहा है फ्लड में वो जड़ से उखड़ जा रहे हैं ठीक है और उसके बाद में फिर

दूसरे साइंटिस्ट थे रसल वालेस करके उन वो फिर से में गए इंग्लैंड से वहाँ से निकले और उन्होंने इस बार वो मेनली अमेरिका और एशियन कौन, सब कॉन्टिनेंट्स पे गए वहां पर उन्होंने बटरफ्लाइज की और मैमल्स की एक्सटेंसिव स्टडी की और जिस तरीके जो कंक्लूजन डार्विन ने निकाला था वही कंक्लूजन वही कंक्लूजन जो है वो वैलिस ने भी निकाला था वैलिस ने साथ में ये भी सजेस्ट किया था कि जो ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हो रहे हैं प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो इवॉल्व हो रहे हैं वो आपका जो प्रोसेस है उनका सेलेक्टिंग का जो प्रोसेस है वो इतना स्पॉन्टेनियसली होता है इतना जल्दी होता है और कोई एकदम बिल्कुल ही नॉन इंटेंशनल होता है और उसके बाद में मीन्स वो क्या रहता है आपका एकदम स्पॉन्टेनियस रहता है और बिल्कुल नॉन इंटेंशनल रहता है जिसकी वजह से हमको अलग अलग स्पीशीज डाइवर्स फॉर्म ऑफ स्पीशीज देखने को मिलते हैं अर्थ में डू यू नो आर्टिफिशियल सिलेक्शन हैज लीड टू द इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट वेराइटीज ऑफ राइस वीट एक्सेट्रा दैट वी सी टूडे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड फ्रूट्स हैव ऑल्सो बीन डेवलप्ड इन दिस वे ठीक है जिस तरीके से आपका ह्यूमंस के बारे में या एनिमल्स के बारे में बताया जा रहा था उसी तरीके से आर्टिफिशियल सिलेक्शन से ही आ, जो हम आज के टाइम पे वैराइटीज़ देखते हैं राइस की वीट की इन सभी चीज़ों की वो भी आपका आर्टिफिशियल सिलेक्शन के थ्रू ही हमको देखने को मिला है अलग अलग टाइप्स के वेजिटेबल्स फ्रूट्स जो है वो हम वो क्या हुए हैं डेवलप्ड हुए हैं जैसे कि आपका यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है मस्टर्ड uh, सीड का हाँ मस्टर्ड मस्टर्ड के पार्ट्स का उसके बाद में फिर ये आपका अलग अलग स्टेम्स के मीन्स ये आपका uh, आर्टिफिशियल सिलेक्शन होने के बाद में अलग अलग चीजों में बना है नेक्स्ट क्लास पे हम पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इट थैंक यू